नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव कब किसको क्या बोल देंगे खुद वो भी नहीं जानते। उनकी अपनी बोली है, अपनी भाषा और अपनी सियासत। 20 तारीख को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और 21 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दावत इफ्तार का न्योता भेज दिया और उसको खुद ही ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा है कि रमजान के मुबारक मौके पर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का पाटलिपुत्र की पावन धरती पर 10 सर्कुलर रोड पर आयोजित दावत इफ्तार में हार्दिक स्वागत है। तुम राम कहो वो रहीम कहें, दोनों की गरज अल्लाह से है। तुम दीन कहो वो धर्म कहें, मनसा तो उसी की राह से है। ये न्योता राबड़ी देवी नेता विरोधी दल बिहार विधान परिषद और तेजस्वी यादव नेता विरोधी दल बिहार विधानसभा की तरफ से भेजा गया है और इसे ट्वीट किया है तेज प्रताप यादव ने। दावते इफ्तार का आयोजन आज यानी कि 22 अप्रैल को हो रहा है। दूसरी तरफ बिहार के भोजपुर में शनिवार को वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँच रहे हैं और इस कार्यक्रम में बीजेपी की कोशिश है कि एक अलग रिकॉर्ड बनाया जाए। बिहार बीजेपी के मुताबिक भोजपुर के जगदीशपुर स्थित दुलौर मैदान में अमित शाह के इस कार्यक्रम में पहली बार एक साथ 75,000 राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के मुताबिक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को जैसे ही पार्टी के इस बड़े आयोजन के बारे में जानकारी मिली उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजने की इच्छा जताई। शनिवार को जब वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में 75,000 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ लहराए जाएंगे उस दौरान गिनीज बुक के नुमाइंदे भी वहां पे रहेंगे। पहले एक साथ सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नंबर पास है, जहां 2004 में 57,632 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए गए थे। बीजेपी इसी वर्ल्ड रिकॉर्ड को कल तोड़ने जा रही है जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। भोजपुर में होने वाले बीजेपी के इस भव्य कार्यक्रम की व्यापक तैयारी चल रही है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने अपने सारे साधन झोंक दिए हैं और जगदीशपुर में 3,00,000 स्क्वायर फीट का सिर्फ पंडाल बना है। आयोजन की व्यापकता और भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। ये है बीजेपी का बिहार प्लान। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।